What nonsense is this? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब इतनी गलतियों के साथ ये शादी का कार्ड जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग और कितनी मिस्टेक करोगे। इतना सन्नाटा क्यों है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों, ठीक नहीं है? कार्ड तो अच्छा है। मामा पूछ रहे थे किसने छपाया। तुमने बताया नहीं? ये नहीं बताएगा। अब मैंने ही प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था बड़े भैया। अच्छा तो ये कारस्तानी तुम्हारी है? हाँ बड़े भैया, शब्द कलर कॉन्सेप्ट जोड़ना हटाना सब मेरा है। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें? और डेजिग्नेशन भी मिसिंग है। मैंने हटवाया है बड़े भैया। डॉक्टर जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA FFFFFF सेक्स स्पेशलिस्ट की जगह सिंपल सा जय कृष्ण शर्मा। होमली लगता है इसलिए बाकी कचरा मैंने हटा दिया। तुम कौन होते हो उसे हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले काम के नकाज के थाईमन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। माँ, भैया। क्या भैया? भैया दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता नहीं किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था, मेरी तो किस्मत खराब है। पियून की नौकरी। देखा तुमने, कार्ड में से इनकी डिग्री गायब होने भर से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बना दी इन्होंने। क्या वो इस तरह के आदमी को मना पाएगा? क्या तुम्हें उम्मीद है? वो जरूर बदल पाएगा, मुझे रामराज पर पूरा यकीन है। आई एम गौतम, पिनाकी गोल्ड कंपनी का न्यूली अपॉइंटेड मार्केटिंग हेड। हमारी कंपनी एनुअल डे सेलिब्रेशन जहां 3 साल से मना रही थी, अब वो रिजॉर्ट यूज नहीं करेंगे। फॉर अ चेंज इस बार प्रगति रिजॉर्ट मेरे एम्प्लॉयज के लिए फिक्स कर दीजिए। अरे फॉर अ चेंज, मैंने तो फिक्स भी कर दिया। तुम मेरे चेंज को चेंज कैसे कर सकते हो? ये मेरे एम्प्लॉयज की भावनाओं की बात है, प्रगति रिजॉर्ट ही होना चाहिए। अरे वही तो है, हमने उसे बुक भी कर दिया। तो उसे कैंसिल कर दो। क्यों, कमीशन जाने का डर है? अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो, वही रिजॉर्ट तो बुक किया है फिर चिल्ला क्यों रहे हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात, अगर पहले बता दिया होता तो मैं इतना चिल्ला क्यों रहा होता। बॉस लगता है ये ऊंचा सुनता है। अरे सुनता ही नहीं है। अपनी बहस बंद करो और पेमेंट बताओ जल्दी। लास्ट ईयर 4 लाख में कर दिए थे, इस साल दीदी ने 5 लाख का अमाउंट फिक्स किया। क्या 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इतना ही दूंगा। इनके डिफेक्ट का हम फायदा उठा लेते हैं। आपस में क्या बात कर रहे हो, मुझे भी कुछ बताओ ना। हाँ ओके ओके, ये 8 लाख हमारे लिए ठीक है। नमस्ते मैडम। सुनिए, मेरी पेमेंट है 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। हाँ, आपने जिस ईमानदारी से डिस्काउंट दिया है उसे देखकर तो मैं रो ही दूंगा। इवनिंग में एडवांस भिजवाता हूँ, चलता हूँ फिर। जी ठीक है। तुम नहीं बदलोगी। लोग कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को जितना हो सके निचोड़ लें और तुम हो कि नुकसान उठाती रहती हो। हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट कहा माँ। अरे बिना बताए तू अचानक कैसे चला आया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक। और ये कौन है बेटा? मेरा फ्रेंड है माँ, हमारे साथ ही रहेगा। पहले फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नया बिजनेस किस चीज का? वेडिंग प्लानिंग। वैसे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे माँ इवेंट मैनेजमेंट कैसे हैंडल करती है? इसमें क्या है, ओकेशन के हिसाब से डेकोरेशन, टेस्ट के हिसाब से डिनर, एंटरटेनमेंट के लिए नाच गाना है। अगर ये सब एक जगह मिला के इवेंट करे तो वो है वेडिंग। पार्टी की जगह शादी में बहुत पैसा है आंटी। ऐसा क्या? पर यकीन करके शादी का कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? कॉन्ट्रैक्ट कमिश्नर देगा। कमिश्नर साहब, आप हर फंक्शन के लिए हमारी दुकान से गहना खरीदते हैं, इसी विश्वास से बोल रहा हूँ आपकी शादी के लिए ये वेडिंग प्लानर करेक्ट है। ओके सेठ जी, अगर आप रेकमेंड कर रहे हैं तो उसे अपने तरीके से देख लेता हूँ। कहाँ है? लीजिए ये आ गए। नमस्ते सेठ जी, बैठिए। किससे मिलना है? मुझसे मिलने बुलाया है। मेरा नाम सुरेंद्र है, कमिश्नर साहब का पीए हूँ मैं। अच्छा, कमिश्नर साहब लड़की की शादी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इस काम को मैं हैंडल कर रहा हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं। वो कमिश्नर थोड़ा सनकी है और उसका परिवार पागलों से भरा पड़ा है। उन्हें लूटोगे तुम और मदद मैं करूंगा। और वो कैसे? शादी का हॉल 10 लाख रुपए का है, 20 लाख कोट करोगे तो प्रॉफिट में तुम्हारा 50, मेरा 50। खाने की प्लेट 2000 रुपए की है, 4 बताओगे तो तुम्हारा 50, मेरा 50। फ्लावर डेकोरेशन 5 लाख का है, 10 बताओगे तुम्हारा 50, मेरा 50। लेडीज संगीत में कोई बार डांसर नाचेगी, 10 लाख देंगे, 25 बताएंगे, तुम्हारा 50, मेरा 50। क्या कहते हो? चप्पल उतार के मारूंगा। खड़े हो जा। कमिश्नर से भी कमीशन लेगा? कैसा अजीब क्रिमिनल है बे तू। येड़े शादी किसे कहते हैं ये पता है तुझे? शादी की खुशियां सीढ़ी पर नहीं दिल में छपती हैं। मंडप का मतलब है देवता का मंदिर, समझा? और शादी का खाना इतना अच्छा क्यों होता है ये पता है तुझे? ताकि लोग मन से खाएं और वर वधु को आशीर्वाद दें। और कमीने तू इसमें भी कमीशन लेगा? मैं तुझे गालियां दे रहा हूँ और तू हंसे जा रहा है? क्यों बे, संगीत में बार डांसर को नचाएगा तू? अबे ये शादी है या मुंबई का कोई डांस बार? ओ सेठ जी, कमिश्नर को फोन लगाइए, इस कमीने की रिपोर्ट करता हूँ मैं। इसकी जरूरत नहीं, यही कमिश्नर है।
आप कमिश्नर हैं सर? सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं की तुमने, इंसान अच्छे हो, मुझे खुशी हुई। हीरालाल जी, आपका रिकमेंडेशन अच्छा है, आई अप्रिशिएट यू। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इसे ही दे दो। थैंक यू सर। और सुनो, मैं कमिश्नर हूँ इसलिए डरना नहीं, सर्विस अच्छे से करोगे तो नाम कमाओगे। करूंगा सर। बाकी की डिटेल्स सेठ जी बता देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ। फिर आइएगा। धन्यवाद सेठ जी। देखो राम, तुम और तुम्हारी माँ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने रिस्क लिया है। शादी में कुछ गड़बड़ ना हो। ये शादी होने ही नहीं देंगे। मेरा मतलब मामूली शादी नहीं करवाएंगे, बहुत जबरदस्त होगी। आइए भाई साहब, आइए आइए। बहुत बहुत मुबारक हो समधी जी, आपके घर शादी की खुशी। बेटा, ये किसकी करतूत है? ये सारा खेल तमाशा इसी लड़के का है। नाम है रामराज, वेडिंग प्लानर। नमस्ते चाचा। शादी में अभी 10 दिन बाकी हैं, अभी से हड़कंप मचा दिया। अरे कमिश्नर के घर शादी है, A1 होनी चाहिए। वैसे आपने अभी देखा क्या है, पिटारा तो आगे खुलेगा। अरे यही दूल्हा है क्या? जबरदस्त है भाई। अरे अंदर 6-pack छिपा के रखा है चाचा, पता नहीं और क्या क्या छिपाया होगा। अरे गुस्सा क्यों होते हो यार, ये तो मजाक था, शादी में मजाक चलता है क्यों चाचा? करेक्ट करेक्ट, अंदर चलकर बात करते हैं। इस सडन मीटिंग की सिचुएशन ये है कि मेरे गुरु श्री संपूर्ण आनंद स्वामी जी ने दूल्हे राजा की कुंडली में मेजर डिफेक्ट डिटेक्ट किया है। बॉडी के डिफेक्ट के लिए मेडिसिन होती है, कुंडली के डिफेक्ट के लिए क्या करूं? समाधान है वाटर। जनरल वाटर या मिनरल वाटर? मूर्ख बालक, जनरल मिनरल नहीं, ईश्वर ने अर्थ पर कई पवित्र रिवर्स भेजी हैं जिनका वाटर इस कलश में कलेक्टेड है। वधु नॉर्थ में खड़ी होगी और वर साउथ में खड़ा होगा, और हम सब ईस्ट में खड़े होकर ढोल बजाएंगे क्या? नो, तुलसी की लीफ इस पवित्र वाटर में डालकर अभिषेक करेंगे। अब ये तुलसी की पत्ती मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है चाचा, मार्केट से खरीद लीजिए, लोगों के घर में भी मिल जाएगी, क्यों पंडित जी? एग्जैक्टली, तो शीघ्रातिशीघ्र वधु को कॉल कीजिए। बेटा जानके, शुक्लाम वरम धरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये। कलश इनके हैंड में दे दीजिए, याद रहे होम पहुँचने से पहले ये कलश ना तो छलके और ना गिरे। गिर गया तो इनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। अरे तू मूर्ख है पंडित। क्यों? ज्यादा उपदेश मत दे, ये कोई बच्चा है जो गिरा देगा? जब गुरुजी ने मुहूर्त निकाला है तो इसका नाम कौन होगा? अरे सची तो है, ऑलरेडी चाचा की जान निकल गई है, गुस्से से देखेंगे तो कंप्लीट खत्म। इन्होंने पंडित जी की बात दिल पे ले ली ना। ये सही कह रहा है भैया, मैंने गलती से अपना हाथ है। इस शादी में कस्टमर की तरह मैं आपसे बिजनेस करने नहीं आई हूँ, ये फंक्शन भी मेरा अपना ही है। सारी जिम्मेदारियाँ मेरे बेटे पर छोड़कर आप शादी का मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। शादी में काम करने वाले इनके स्टाफ के रहने के लिए पास ही में एक घर दे दिया है। और ये है मेरी जानकी, इसी की शादी है, राम की माँ है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहो। अरे राम, तू कब ऐसी सुंदर बहू घर लेकर आएगा? माँ अगर आपको ये पसंद है तो इसी को घर ले चलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, शादी में मजाक चलते रहता है। तुम्हारा गेम प्लान देख के तो यकीन हो गया कि काम बन जाएगा, पर शुरुआत करने के लिए गेंद तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे ही मैदान में पहुँचेंगे गेंद मेरे हाथ में आ जाएगी। अरे वो सब हो जाएगा। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है भांजे, तुम तो दुल्हन के साथ ही। अरे मामा पैनिक मत हो, हम यहाँ शादी कराने नहीं, शादी रोकने आए हैं। क्या कह रहे हो भांजे? समझिए ना, शादी को तोड़कर जानकी को बहू बनाकर घर ले जाएंगे। किसे कहाँ ले जाएंगे? वो क्या कि ले जाने का मतलब है कि शादी में दुल्हन को मंडप में कैसे ले जाएंगे। अरे ये नौटंकी छोड़ और हो रखी मत कर। ये क्या रामराज, इंडिया आके तुम हमारे घर पे भी घुसे, और जो दिमाग के सनकी हैं उन्हें भी टोपी पहनाकर शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तुम्हारे प्लान के बारे में ये भी जानते हैं? हाँ जानते हैं, ये हमारी पार्टी में है। कैसी पार्टी? संगीत पार्टी, संगीत पार्टी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकती हो। इसके लिए इतना डिस्कशन क्यों अंकल, ये प्लान के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ये भी जानती है? सब जानती है, ये भी हमारी पार्टी में है। ओह वेरी गुड, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइए आइए, आप तो सब जानती हैं, वही प्लान हम डिस्कस कर रहे थे। बताना हम इनकी बेटी को कैसे ले जाएंगे। मेरी बेटी को कहाँ लेकर जाने की बात हो रही है? घबराइए मत आंटी, हम तो दुल्हन को सजाकर मैरिज हॉल तक कैसे ले जाएंगे उसकी बात कर रहे थे। ये नहीं जानती क्या? क्या जानना है? हम शादी में कैसे जाएंगे वो जानना है। मामा जी, हमने इसी के तो पैसे लिए हैं और आप इन्हीं से पूछ रहे हैं, आपको तो और कितने सारे काम होंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा बेटा। जानकी, बनारस से साड़ियाँ आ गई हैं, चलो नीचे देखो। जाइए जाइए, इनकी जल्दी आओ। मैं अभी आया।
मामा जी, आज आपके मुंह खोलने से मेरी पोल खुल जाती। पहेलियां मत बुझाओ, नेताओं की तरह समझ में नहीं आता कि कौन किसकी पार्टी में है। कोई लिस्ट है, मैं याद कर लूं? हाँ तो राज साहब, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारे नेक्स्ट स्टेप में शिकार करने के लिए एक बकरा चाहिए। बकरा चाहिए? यस सर, प्लान के मुताबिक मैं घर में घुस गया हूँ। शादी को रोकने के लिए और आदेश को ट्रैप करने के लिए मुझे एक बकरा चाहिए। समझ गया, पर कौन होगा ये बकरा? तुम आदमी हो या बकरा? तुमसे करीम को पकड़ने के लिए कहा था और तुम उसके लड़के को पकड़ कर ले आए। वो तो अंडरग्राउंड हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। पर किस चार्ज में? सेकंड क्लास के बच्चे पर हम क्या मर्डर केस चलाएंगे? नालायक हो तुम। भैया। क्या भैया? भैया खाना तो ये आदमी ठूस ठूस के खाता है और दिमाग में भूसा पहुंचता है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। छी छी, इसको खाना नहीं भूसा चाहिए। ऐसे आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? दिमाग ही नहीं है इसको। ढोलक है, नगाड़ा है, तबला है, इसको तो हर समय बजाते रहना चाहिए। भांजे, कहीं आत्महत्या न कर ले। अरे उल्लू के पट्टे, मैं आदमी हूँ इसलिए अंगूर का रस सड़ा के पीता हूँ। तू राक्षस है जो रोज मेरा सड़ा हुआ खून पीता है, डेली मुझे भजिए की तरह तल के खाता है। अगर भगवान है तो मेरा भी दिन आएगा, खटमल बन के तेरे बिस्तर में घुसूंगा, तेरा खून चूसूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। मामा जी, इस बकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करते हैं। फॉलो मी। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा, अरे क्या सोचा, अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है और ये कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से टेंशन होता है, थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो, क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट, उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई। मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट दे दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता हूं। अब जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है। साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे रे, आपकी हालत बहुत खराब है। इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो? सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए। एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर हैं। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? आंख बंद करके बस गाना गाना है। मुझे मंजूर है, मंजूर है, मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। ऑल द बेस्ट।